तो भाई आज बारी है वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे बदले की, मतलब इंडिया के लिए दूसरे बदले की, क्योंकि पहला बदला न्यूजीलैंड से ले लिया है, लेकिन आज लेना है इंग्लैंड से असली बदला। क्योंकि भले ही पिछली बार वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हरा के उनकी उम्मीदों को तोड़ा था, पर पता है जो इंग्लैंड से हार मिली थी और जो न्यूजीलैंड से हार मिली थी उसमें एक बड़ा अंतर क्या था? जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था तो उन्होंने कोई इंडिया को ट्रॉल नहीं करा था, उन पे मीम्स नहीं बनाई थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करा था, एकदम स्पोर्ट्समैनशिप के साथ उस मैच का अंत किया था। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो भारत इंग्लैंड से हारा था जिस मैच में, उस मैच के बाद इंग्लैंड वालों ने इंडिया का इतना मजाक बनाया था, इतना मजाक उड़ाया था, इतनी उल्टी सीधी बातें करी थी, तो असल में न्यूजीलैंड के मैच के कंपैरिजन में ये जो बदला होगा ना, ये सबसे बड़ा बदला होगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो हाल इस समय इंग्लैंड क्रिकेट का चल रहा है या फिर कहें इंग्लैंड टीम का इस वर्ल्ड कप में चल रहा है, तो शायद इंडिया के लिए ये मैच जीतना आसान होगा। लेकिन भाई इंग्लैंड तो इंग्लैंड ही है ना, आसानी से मैच जीतने थोड़ी देगी। तो कुल मिला के इंडिया को यहां पे कुछ ना कुछ करके जीतना तो होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, जैसा मैंने कहा। हां, एक थोड़ा सा इंडिया के लिए सेटबैक है कि हार्दिक पांड्या आज का मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन यह भी एक खबर है कि अश्विन जो होंगे वो आज के मैच में खेलते हुए दिखेंगे। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या सिराज और बुमराह के साथ ही उतरेंगे या फिर सिराज की जगह हमें शामी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सिराज बुमराह के साथ ही जाना चाहिए या फिर शामी को मौका देना चाहिए? अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बस एक काम करना है कि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पिन करने दिए हुए लिंक से आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि भैया सारी प्रेडिक्शन वहां पे आ गई हैं, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला, ऐसा मैंने कहा। तो जल्दी से सारी प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बनानी है वो बना लो, कोई प्रेडिक्शन करनी है वो कर लो, बाकी भैया टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो कहता हूं ना, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जाके सिंपली व्हाट्सएप कर दो, सारी प्रेडिक्शन आ जाएंगी और वहां से फिर उन प्रेडिक्शन को उठाओ, मस्त पैसा कमाओ। बाकी मैंने आपको कल की ही वीडियो में बता दिया था कि क्यों आज का मैच बड़ा होने वाला है रोहित शर्मा के लिए। दो बहुत ही बड़े रीजन हैं। पहला रीजन कि सवा मैच खेला जाना है उनकी कप्तानी में, तो मैच तो जीतना ही जीतना है रोहित शर्मा को, सेम टाइम पे कुछ ऐसा स्कोर भी मारना है कि भैया ये जो सवा कप्तानी का मैच है याद रहे ना। और सेम टाइम पे इसलिए भी रोहित शर्मा के लिए मैच बड़ा होने वाला है क्योंकि 47 रन की यहां पे जरूरत है 18,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के लिए, जो कि हमें लगता है रोहित भाई मजाक में कर लेंगे। हालांकि एकाना की जो पिच होती है थोड़ी सी भैया बैलेंस पिच होती है, ऐसी नहीं कि भैया पूरे तरीके से बैट्समैन को फेवर करे, तो आसान तो नहीं होगा रन मारना, लेकिन रोहित भाई के लिए तो आसान ही होगा ना। पर जितना इंपॉर्टेंट ये मैच रोहित शर्मा के लिए होने वाला है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैच है ये विराट कोहली के लिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि विराट कोहली को अपने बर्थडे पे यानी कि 5 नवंबर को कंप्लीट करनी है 50 सेंचुरी। तो अगर 50 सेंचुरी कंप्लीट करनी है तो भाई 3 मैच बचे हैं, इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका के साथ और 5 तारीख को साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उससे पहले अगर पूरी करनी है तो इन 3 मैचों में 2 सेंचुरी माननी पड़ेंगी या फिर अगले 2 मैच में 1 माननी होंगी, लेकिन उसके बाद 5 तारीख को सेंचुरी मारनी ही माननी पड़ेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उम्मीद करते हैं कि 3 मैच में कोहली भाई 2 सेंचुरी तो मार ही देंगे। आप लोग को क्या लगता है कि क्या कोहली भाई अपने बर्थडे तक 50 सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे? अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के मैच में क्या लगता है, कोहली भाई की सेंचुरी आएगी या फिर रोहित भाई की? जिस पे भी आपको जरूरत से ज्यादा यकीन है उनका नाम भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। वैसे यकीन तो मुझको कल के दिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे नहीं आ रहा था भाई, क्या मैच चल रहा था। और यकीन मुझे इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि कल के दिन ऐसा पहली बार हुआ कि मिचेल स्टार्क को वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के किसी मैच में विकेट नहीं मिला, वरना अभी तक बंदे ने वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेले हैं हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट तो मिलता ही मिलता था, पर कल के दिन साला नहीं मिला भाई सच में। और देखो तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी कि न्यूजीलैंड टीम को लेके ना कहीं ऑलरेडी हमारे दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट साइड रहता है। हम माना 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को बाहर किया था, लेकिन बिल्कुल भी न्यूजीलैंड के प्रति हमारे मन में कभी कोई हेट नहीं आई है। यही लगता है कि बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हालांकि अभी सबसे जो बढ़िया प्राणी है पृथ्वी के केन विलियमसन, वो टीम के साथ ज्यादा नहीं जुड़ पाए हैं इंजरी के चलते, मस्त रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो पूरी टीम है ना भाई, एक नंबर लोग हैं। और एक नंबर लोग इसलिए हैं क्योंकि ये लोग एक नंबर इंसान हैं। तो कल के दिन जब ये लोग मैच हारे ना, हालांकि मैं न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भाई उसके बाद ये लोग जिस तरीके से हारे, एक अलग ही दुख महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि साला कोई अपनी टीम हार गई है। और नीशम भाई यार आखिरी मोमेंट पे रन आउट हो गए। मुझे तो लगता है कि जब धोनी रन आउट हुए थे उस वक्त पे न्यूजीलैंड को इतनी बददुआएं मिल गई थी लोगों से कि भैया उसके बाद फाइनल में गट्टिल को रन आउट होना पड़ा था और कल के दिन उसी
इसी बद्दुआ के चक्कर में मुझे लगता है नीशम को भी रनआउट होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहने से तो बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि भैया रचिन रविंद्र क्या खेल रहा है बंदा, मतलब क्या खेल रहा है बंदा। अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था ना कि जो हेनरिक क्लासन है अगर वो ऑक्शन में उतर आते हैं, अगर उनको हैदराबाद रिलीज कर देता है तो भाई बहुत महंगा बिकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र भी उन चंद प्लेयरों में से एक होने वाले हैं जो अगर ऑक्शन में उतर गए तो आराम से मान लीजिए 12-13-14 करोड़ के तो बिकेंगे, क्योंकि बैटिंग तो एक नंबर करते ही करते हैं और बैटिंग में उन्होंने ओडीआई के अंदर ये दिखा दिया है कि मैं T20 में भी एक नंबर बैटिंग कर सकता हूं। क्या हिट्स लगाता है भाई बंदा, और सेम टाइम पे जो बॉलिंग वाला हुनर है वो तो एडिशनल है। अगर बंदा बॉलिंग नहीं भी कराने वाला होता तो भी बैटिंग एक नंबर करता है, पर बॉलिंग के साथ साथ तो भाई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन सकता है आईपीएल 2024 का। वैसे आपके हिसाब से अगर हेनरिक क्लासन और रचिन रविंद्र एक साथ ऑक्शन में उतर आए तो ज्यादा महंगा कौन बिकेगा, जो भी आपको लगता है उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल देखो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया भाई फॉर्म में आ चुकी है, बहुत ही बुरे तरीके से फॉर्म में आई है। मतलब जिस तरीके से वर्ल्ड कप शुरू किया था ऐसा लग रहा था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वैसी नहीं बची है, पर अब जिस तरीके से खेल रही है ऐसा लग रहा है कि ये तो पहले से भी बेहतर बन गई है। भाई ट्रेविस हेड कल के दिन आते हैं और आते ही मतलब इतने बुरे तरीके से मारते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा सेटल होने का उसके बाद ये सब दिखाने का ना। लेकिन नहीं, और वॉर्नर भाई वर्ल्ड कप से पहले बुरे फॉर्म में चल रहे थे भाई, इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है मारे जा रहे हैं। और ये इंडिया का डीजे और अलग होता है, जबरदस्ती थोड़ा बहुत अगर बंदा रिलैक्स हो रखा है वो श्रीवल्ली का गाना बजाने लगता है और वॉर्नर भाई डांस करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है असल स्रोत जो है वो यही है पावर का उनकी। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है यार, वॉर्नर भाई अपनी जान है, यही रीजन है कि अभी हाल ही में डेविड वॉर्नर का जब बर्थडे था तो खुद अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा राज हमारे वॉर्नर के लिए स्टोरी लगाते हैं, उनको बर्थडे विश करते हैं। और उससे कुछ दिन पहले जब अल्लू अर्जुन का बर्थडे था तो वॉर्नर भी उनके लिए स्टोरी लगाए हुए थे। मुझे तो लगता है कि अगर पुष्पा 3 बनेगी ना, जो कि मुझे लगता है बननी चाहिए, तो उसमें डेविड वॉर्नर 100% दिखने वाले हैं। बाकी भाई मैं देखो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छेड़ना चाहूंगा कि तुम्हें पता है मुझे आईपीएल की सबसे ज्यादा मूर्ख टीम कौन सी लगती है? एसआरएच। मतलब इतनी मूर्खता करी है इन लोगों ने अपनी जिंदगी में। अगर तुम सोच रहे हो अभी वर्ल्ड कप के बीच में मैं आईपीएल की और एसआरएच की बात क्यों कर रहा हूं तो थोड़ा रुको, तुम अपने आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहली मूर्खता इन्होंने तब करी थी जब इन्होंने राशिद खान को उनका मुंह मांगा प्राइस नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि हम केन विलियमसन को आपसे ज्यादा प्राइस देना चाहते हैं तो आपको नहीं दे पाएंगे, आपको छोड़ के जाना है तो चले जाइए। राशिद खान गुस्सा हुए, छोड़ के चले गए और फिर गुजरात टाइटंस ने उससे भी महंगे प्राइस में राशिद खान को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के वक्त में राशिद खान गुजरात टाइटंस के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी हैं और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी हैं। उसके बाद अब समय का तकाजा देखिए कि जिस केन विलियमसन को ये रोकना चाहते थे, राशिद खान को जिसके लिए भेजना चाहते थे, उसी केन विलियमसन को इन्होंने अगले साल रिलीज किया और वही केन विलियमसन मात्र 2 करोड़ के प्राइस में उसी गुजरात टाइटंस में खेल रहा है राशिद खान के साथ। राशिद खान की प्राइस लगभग 16 करोड़ की और इनकी प्राइस कितनी है? मात्र 2 करोड़ की। सबसे पहली मूर्खता तो ये हुई थी। और उसके बाद अगर बात करें आईपीएल के लास्ट सीजन की यानी कि आईपीएल 2023 की, तो वहां पे तो कितनी बड़ी मूर्खता करी थी, हेनरिक क्लासन को इन्होंने 60-70% ऑफ द मैचेस में खिलाया तक नहीं था। मतलब भाई मौका ही नहीं दिया था उस बंदे को, जितने मैच मिले उसमें उसने इतना मारा कि उसने एसआरएच को ये यकीन दिला दिया कि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी मूर्खता और कितनी बड़ी गलती करी थी। और बात देखो यहां पे फिर से क्लासन की नहीं है, इनके पास क्लासन के साथ साथ ग्लेन फिलिप्स भी पड़ा था। उस बंदे को तो इन्होंने मात्र 3 या 4 मैचेस खिलाए। मतलब ग्लेन फिलिप्स जैसा बैट्समैन आपके पास हो, बॉलर आपके पास हो, कीपर आपके पास हो, फील्डर आपके पास हो, उसके बावजूद भी ऐसे प्लेयर को ना खिलाना, इसे आप मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप कल का मैच उठा के देख लीजिए, होने को अगर आप ग्लेन फिलिप्स से पूछेंगे ना कि आप फील्डिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, कीपिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो सबसे खराब आप क्या करते हैं, तो ग्लेन फिलिप्स क्या कहते हैं, सबसे कम भरोसा मुझे अपनी जिस स्किल पे है वो है मेरी बॉलिंग। लेकिन आप कल का मैच उठा के देखिए, ग्लेन फिलिप्स आते हैं जब, तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 13 ओवर में 144 रन पे 0 विकेट। और उसके बाद फिलिप्स वॉर्नर का विकेट लेते हैं, हेड का विकेट लेते हैं, स्मिथ का विकेट लेते हैं। मतलब जहां इतना बड़ा टारगेट दिया गया था उस मैच में ग्लेन फिलिप्स 10 ओवर के स्पेल में 37 रन देके 3 विकेट ले लेते हैं और एसआरएच वाले उस बंदे को
खिलाते तक नहीं है। लेकिन भाई अब जब दिमाग पे ही ताले पड़े हों तो कोई इंसान कर ही कह सकता है। मैं तो एसआरएच वालों से कहूंगा कि आपको इन लोगों की कीमत समझ में नहीं आ पाई है तो हेनरिक क्लासन को भी रिलीज करिए, फिलिप्स को भी रिलीज करिए। मैं लिख के दे रहा हूं ये दोनों बंदे कम से कम 12 करोड़ के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जो मैंने आपसे पूछा ना कि अगर मान लीजिए फिलिप्स हो गए, रचिन रविंद्र हो गए और क्लासन हो गए, ये एक साथ ऑक्शन में उतर आते हैं तो वो कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा महंगा यहां पे बिक सकता है, जिसकी स्किल पे भी आपको सबसे ज्यादा यकीन है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जो एक और सवाल पूछा है कि आज का जो मैच होना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इसमें रोहित शर्मा की सेंचुरी आने की ज्यादा चांसेस हैं या फिर विराट कोहली की, जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम तो कहेंगे दोनों की आ जाए, ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आपको एक ही का नाम बताना है, क्योंकि भैया ये सवाल पूछ के जब हम जवाब देखते हैं ना तो पढ़ने में मजा आता है, एक अलग ही किक मिलती है, इसीलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं। बाकी देखो तुम्हें अपनी जिंदगी में किक चाहिए तो जाहिर सी बात है किक के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना है आकांक्षा का टेलीग्राम चैनल, मस्त जाके वहां से प्रेडिक्शन उठानी है, प्रेडिक्शन उठा के मस्त भैया टीम वगैरह बनाओ या प्रेडिक्शन वगैरह करो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, फ्री में व्हाट्सएप नंबर पे जाके बस डीएम कर दो, मैच बस शुरू होने वाला होगा, सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां पे आ जाएंगी, उनको उठाने का, प्रेडिक्शन करने का, चलते हुए मैच में पैसा बनाने का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।